हे hey दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है गोविंद और आप देख रहे हैं टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाला एक स्मार्टफोन है जो कि आपको जो है 8 से 9 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगा, मगर ऑफर में जो है आपको 7,500 का देखने को मिल रहा है। इसके स्पेक्स की बात करेंगे और जो है आपको ये बाय करना चाहिए या फिर नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ और आपको बताता हूँ इसमें क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले आपको मिलता है 6.5 इंच का जो है, यहाँ पर HD+ वाला पैनल देखने को मिलता है, LCD डिस्प्ले है और यहाँ पर जो है फ्रंट में जो है आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाता है। अगर बैक की बात करें तो यहाँ पर जो है ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिलता है, डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है और जो है फ्लैश भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो आपको जो है रियर में जो है 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, फ्रंट में जो है 5 मेगापिक्सल की जो है आपको सेल्फी देखने को मिलती है। प्रोसेसर की बात करते हैं, इसमें जो है आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला जो है हेलियो P35 देखने को मिलता है जो कि दोस्तों डे टू डे यूज में जो है आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे देगा। बैटरी की बात करते हैं, इसमें जो है आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट इसमें नहीं देखने को मिलता, मगर जो है आपको बॉक्स में जो है आपको चार्जर देखने को मिल जाता है। टाइप सी पोर्ट के साथ जो है ये स्मार्टफोन आता है, ये अच्छा एडवांटेज आपको देखने को मिलता है। 4G स्मार्टफोन है और दोस्तों इसमें जो है एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स और जो है आपको 2 मेजर अपडेट आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि दोस्तों अगर 12 में तो 13-14 तक जो है आपको यहाँ पर अपडेट आपको इसमें देखने को मिलेंगे और ब्रांड वैल्यू तो आपको यहाँ पर जो है देखने को मिली जाती है। इसमें जो है आपको यहाँ पर वर्चुअल रैम का सपोर्ट मिलता है जिससे जो है अपटू 8 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। बेस फ्रंट जो है आपको 4/64 वाला देखने को मिल जाता है। डुअल सिम का सपोर्ट आता है और जो है 1 TB तक जो है आप इसमें जो है मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बाकी जो है आपको ब्लूटूथ 5 वाईफाई वगैरह जो है सब कुछ आपको देखने को मिलता है। GPS वगैरह भी जो है इसमें आपको देखने को मिल जाता है। अगर इसके नाम की बात करो तो इसके नाम में ही जो आपको फास्ट देखने को मिलता है, यानी कि सैमसंग F04 फास्ट। तो देखते हैं ये कितना फास्ट है। और जो है अगर इसके एंटीटू स्कोर की बात करूँ तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पर देखने को मिल जा रहे होंगे, ठीक। इससे एक बेहतर आइडिया आपको हो जाएगा, डे टू डे यूज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, अगर जो है आप एक सैमसंग लवर है तो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में, लगभग 8 से 9 हज़ार के बीच में। अगर यानी अभी के टाइम पे अगर आप इसे बाय करते हैं तो ये जो है आपको 7,500 रुपये तक जो है देखने को मिल जाएगा। अगर आप जो है अपने बजट को जरा से स्ट्रेस कर सकते हैं, यानी 10 से 11 हज़ार रुपये जाते हैं, तो वहाँ पर और भी जो है आपको 5G स्मार्टफोन के भी जो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं बहुत से। तो अगर आप इतना कर सकते हैं तो वो करिए, यानी कि 5G लेना जो है मैं सोचता हूँ कि अभी के टाइम पर जो है ज़्यादा सेंस बनाता है। फिर भी अगर आपका बजट कम है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि 5G भी जो है इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला। बस सेफ साइड जो है मैं यहाँ पर कहूँगा 5G स्मार्टफोन लेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, नहीं आया डिसलाइक करना, मुझे बताना कमेंट में आपको क्यों नहीं पसंद आया। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब के लिए बैठे के रमना ख्याल रखिएगा।